तो चलो प्यारे बच्चों कैलकुलस का यूज करके हम एरिया क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल मतलब एक सर्कल का जो क्वाड्रेंट है वन बाई फोर्थ है क्वार्टर है उस वन बाई फोर्थ का हमें बेसिकली uh, एरिया निकालना है कैलकुलस का यूज करके ध्यान रखना है तो अगर यहाँ पे ये एर एक क्वार्टर लिया हूँ क्वार्टर मतलब वन बाई फोर्थ ठीक है तो ये यहाँ से ये एक्स है और ये रेडियस आर है प्यारे बच्चों तो यहाँ से आप अगर मुझे एरिया चाहिए तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ से ऐसे डिफरेंशियल एलिमेंट ले लो और इस ऐसे डिफरेंशियल एलिमेंट को यहाँ से देख रहे हो ये ऐसे डिफरेंशियल एलिमेंट को तुम जोड़ दोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा तुम हॉरिजेंटल भी ले सकते हो वर्टिकल भी ले सकते हो एज यू लाइक एज ठीक है तो मैं वर्टिकल लिया हूँ तो यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस पे जाके थिकनेस डी एक्स का डी एक्स इज़ वेरी स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट टेन टू ज़ीरो बहुत ही छोटा ठीक है तो ये एक लिया हूँ और अब मैं उसका एरिया अगर इसका एरिया देखोगे तो इसका एरिया डी ए होगा और इसका एरिया हो जाएगा ये इसकी जो हाइट है वो वाई ले लेता हूँ यहाँ से तो इसके वाई डी एक्स विल एरिया ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट ठीक है समझ रहे एरिया ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट वाई डी एक्स लेकिन अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो एक्स की लिमिट यहाँ से जाएगी एक्स इजल टू जीरो और यहाँ से x इज इक्वल टू आर तक जाएगा ठीक है तो x इज इक्वल टू जीरो से एक्स इजल टू आर तक अपनी प्रॉपर लिमिट जाएगी तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ से तुम देखोगे जो area मेरा कैलकुलेट करके आया है area, वो area जो ए है दैट इज यहाँ से वाई डी एक्स है तो वाई डी एक्स है तो वाई भी तो वेरिएबल है तो वाई को मैं एक्स के टर्म में यहाँ पे लिख दूंगा बाई यूजिंग द सम इक्वेशन तो सर्कल का इक्वेशन यहाँ पे अगर एक्स वाई में यहाँ पे सर्कल का जो इक्वेशन है ये जो सर्कल दिया हुआ है इस सर्कल का जो इक्वेशन है सर्कल इक्वेशन वो है तो यहाँ से जो वाई की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर अंडर रूट ठीक है प्लस माइनस ये वाली जो है वाई की वैल्यू आ जाएगी बात समझ में है? इसको अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो इस्माल एरिया जो डी ए दिखेगा और वाई की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स दैट इज यहाँ से डी ठीक है अब जो टोटल एरिया हो जाएगा टोटल एरिया इसको इंटीग्रेट कर दूँ टोटल एरिया ये इंटीग्रेशन ऑफ डी और एक्स की लिमिट जाएगी एक्स टू इक्वल टू मतलब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट और यहाँ से जीरो से आर अब इसका इंटीग्रेशन आसान नहीं है थोड़ा सा तुम लोगों के लिए ठीक है इंटीग्रेशन पार्ट्स पार्ट लगा के मैं सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ही यूज करो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ से यूज कर लो तो मान लो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स ठीक है ए ए ए यहाँ से बाई टू इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट ही यूज कर लो ए बाई नहीं वेरिएबल है यहाँ ना तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट एक्स बाई टू यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस साइन यहाँ से माइनस साइन इसको मैं एक मिनट इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ठीक है ना देखो इसको मैं इस्टैंडर्ड रिजल्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो अपना जो यहाँ से इसका x बाई एक्स वेरिएबल डिवाइडेड बाई टू ध्यान रखना x जो वेरिएबल है डिवाइडेड बाई टू और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर और यहाँ से माइनस प्लस साइन लगाना और ए स्क्वायर बाई टू और यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से x बाई ए ठीक ना तो दिस इज द फार्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रेशन और इस रिजल्ट का अब मैं यूज करने जा रहा हूँ ए स्क्वायर बाई टू साइनवर्स एक्स अपन ए तो यहाँ से जो अपनी टोटल एरिया यहाँ से टोटल एरिया ए आया था इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से आर तक और यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स इस फार्मूले पे मैं रख देता हूँ तो यहाँ से एक्स बाई यहाँ से एक्स बाई टू और यहाँ से r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रेट कर रहा हूँ प्लस यहाँ से r स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स यहाँ से ठीक है ना x अपॉन r और इन सब में लिमिट जाएगी जीरो से r तक दिस इज द इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करने के बाद इतना आएगा ठीक है तो अगर आप इंटीग्रेशन करने के बाद इतना आ रहा तो अब आर की लिमिट रखोगे तो यहाँ से आर बाई टू आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट और प्लस यहाँ से आर स्क्वायर बाई टू और यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स यहाँ से आर अपन आर ठीक है ना और अगर ये लोअर लिमिट रखोगे माइनस यहाँ से तो ये पूरा जीरो बनेगा ठीक है ना और ये पूरा ठीक है जीरो बाई टू और यहाँ से आर स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर अंडर रूट और प्लस यहाँ से आर स्क्वायर बाई टू साइन यूनिवर्स जीरो अपॉन आर तो ये पूरा जीरो बनेगा तो ये पूरा जीरो हो गया ठीक है और ये जीरो हो गया ठीक है तो एरिया जो बचा यहाँ से यहाँ से तुम देखोगे कांस्टेंट एरिया जो यहाँ से बचेगा वो बचेगा देखो यहाँ से आर स्क्वायर बाई टू और इन्वर्स यहां से आर बाई टू और से आर आर, ठीक आर आर. मतलब है, है मतलब की जो मल्टीप्लाई कर दू तो एरिया ऑफ कॉन्टेंट यहाँ से पाई आर स्कवायर अपॉन फोर दिस विल बिकेम दल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा थोड़ा सा ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है इसको आप याद रखो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन जब करोगे तुम तो तुम्हें ये यूज होगा थैंक यू